अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा से पहले जो इसकी डो बनेगी, हम उसके डो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बनती है। तो इसके लिए जो चीज़ें ली हैं वो ये है। ये लिया है मैंने, ये मैंने एक 225 ग्राम मैदा लिया है, ठीक है। इसके लिए लिए है चीनी मैंने 1.5 चम्मच, बड़े नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से आपके, ठीक है। ईस्ट लिया है बड़ा भर के चम्मच मैंने। ऑयल लिए हैं 2 से 2.5 चम्मच, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ें डाल के पहले हमारे मिक्स कर लेंगे। ये ईस्ट डाल दिए मैंने इसके अंदर, हमारी इंस्टेंट ईस्ट है तो हमें इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीनी और ये नमक भी साथ डाल दिया मैंने। मैं पहले इन दो तीनों चीज़ों को मिक्स करूँगी अच्छे से। हम डो पहले इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी डो अच्छे से राइस हो जाए जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें मैं ये ऑयल भी, सारा ऑयल ऐसे तरीके से डाल दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैंने मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको भून लेंगे। ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको दिखाती हूँ कि हमको इसको कैसे भूनना है, ठीक है। क्योंकि हमें इसे बहुत हार्ड भी नहीं भूननी और सॉफ्ट भी नहीं भूननी है डो को हमारी। तो ये देखें, ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको पानी इसका हो गया, हम इस तरीके से हाथ से करते रहेंगे और इसको गूंथते रहेंगे। जब ये अच्छे तरीके से गूंथ जाएगा तो हम इसको राइस करने के लिए रख देंगे। तो हम इसको आपको दिखाते हैं जब ये हमारा डो राइस हो जाएगी, तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से पिज़्ज़ा बनाना है। बाकी पिज़्ज़ा डो हमने तैयार कर रख दी है, उसको जैसे वो तैयार होगी तो उसके हम जो है ना आपको दिखाएंगे कि वो कैसी लग रही है। अब जो हमें इसकी टॉपिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इस तरीके से, ये लिए मैंने चिकन, ये लिए मैंने 225 ग्राम चिकन लिए और इसकी इस तरीके से बोटियाँ कर ली हैं। अच्छा, इसके लिए जो मुझे चाहिए थोड़ा सा अदरक लहसुन, या आधे चम्मच के करीब अदरक लहसुन है। नमक लिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। कुटी हुई मिर्ची लिए आधी चम्मच। अच्छा, ये तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, आधा चम्मच सोया सॉस है, 1 चम्मच सिरका है और 1 ही चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिए जो हम चिकन तैयार करेंगे उसके लिए, ठीक है। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मैंने लिए मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। इसको अभी मैं कद्दूकस नहीं करा मैंने, मैं जब डालूँगी तो मैं उसी टाइम पर करूँगी टॉपिंग। जो पिज़्ज़ा पर हम लगाएंगे, ये लिए मैंने टमाटर इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए, ये शिमला मिर्च ली है मैंने और ये मैंने प्याज लिए जो इस तरीके से हम लोग जब हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे उस टाइम पे इस पर लगाएंगे। तो ये चीज़ें भी हम साइड करते हैं। अभी हमें चिकन तैयार करनी है तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इस तरीके से ये गरम कर लिया है। अब मैं इसमें जो है पहले मैं ये डाल रही हूँ चिकन। सबसे पहले इस तरीके से चिकन डाल देंगे हम। ये देखिए चिकन डाल लिया। अच्छा, अभी इसी टाइम पे मैं ये अदरक लहसुन ये डाल रही हूँ, इसमें चिकन में मिक्स करूँगी डाल के। हम इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये हमारा चिकन का कलर भी देखें अब चेंज होता जा रहा है। आप चाहें तो इसमें जो है रेडीमेड मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे टिक्का मसाला डालना है। मैं इसको घर में ही जो घर के होममेड मसाले हैं उसमें ही तैयार कर रही हूँ मैं। इस तरीके से ये देखें, ये हमारे चिकन का जो है कलर चेंज हो गया। अब इस टाइम पे मैं ये नमक और का ये डाल रही हूँ, रेड चिली। अच्छा, नमक आप ज़रा हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि हमने जो इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालना है हम चिकन के अंदर, तो उसमें भी नमक होता है। तो ये देखें, अब मैं इसके अंदर साथ ही ये हमारी जो चिली सॉस सोया सॉस है ये भी डाल दूँगी। तीनों चीज़ें, सिरका, चिली सॉस, ये सब। चिली सॉस में भी स्पाइस होते हैं तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कम डाला है। इसमें जो है हमारे चिली फ्लेक्स थे वो थोड़े हमने कम डाले हैं। अब मैं इसको इसके अंदर पकाऊँगी, इतना पकाऊँगी कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और हमारी चिकन भी इसमें गल जाएगी। आपको पता है चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है और बोटियाँ भी कोई मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं रखी हैं, छोटी छोटे ही रखे हैं मैंने खुद ने, ये ताकि जब हम बाइट लें हर उसमें जो है हमारी चिकन आए। तो ये हमारी चिकन पक रही है, मैं इसका पानी ड्राई करूँगी। पानी ड्राई करने के बाद
इसको जब हमारे पिज़्ज़ा डो तैयार हो जाएगी तो उसको हम बेलेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे और फिर ये टॉपिंग मैं उस पर लगाऊंगी इस तरीके से। मैंने आज बहुत ज़्यादा नहीं रखी हुई है, कम ही रखी हुई है क्योंकि हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, तो हम इसी में इसको हमारी चिकन को बनाएंगे। ये देखें ये हमारे डो तैयार हो चुकी है, इस तरीके से फूल गई है, ये राइस हो गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्का सा इसको गूंदेंगे हम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ऑयल लगा लिया इस तरीके से और मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि हमारी डो परफेक्ट हो जाए। इसके बाद ये मैं इसमें से दो पेड़ बनाऊंगी और मैं इसको बेल के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से। ये देखें ये हमारे अब इसमें डो में आपको दिख रहा होगा कि ये गूंद गई है। ये देखें अब मैं इसके बीच में से कट करके दो पेड़े बना लूंगी और मैं इसको आपको दिखाती हूँ आगे बेल के कि किस तरीके से हम इसको बेल के और ट्रे में लगाएंगे अपनी। ये देखें ये मैंने इस पर थोड़ा सा हमारे मैंने मैदा छिड़क दिया है इस तरीके से और इस तरीके से हमारी डो तैयार है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा मैदा इस पर लगाती रहूँगी इस तरीके से और इसको अभी बेलन की मदद से मैं इसको बेलूँगी, तो मैं आपको बेल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको बेलना है और हम इसको लगाएंगे फिर अपनी इसकी जो ओवन की ट्रे है हमारे पास, सॉरी हमने जो है इसकी ओवन ट्रे जो होती है वो ली हुई है। मैं अभी इसको पहले बेल लूँ फिर मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ट्रे के अंदर। शेप की आप लोग फिक्र नहीं करें, शेप अपने आप ही इसमें जब हम ट्रे में लगाएंगे तो शेप आ जाएगी। मैं इस तरीके से इसके किनारे पहले इधर उधर से बेल लूँ ताकि हमारी डो एक जैसी सब जगह से बने। तो अब मैं इसको इसकी ओवन की जो ट्रे है उसमें आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें ये हमने इसकी ट्रे ली है, पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से ग्रीस कर लिया। अब मैं इसको इसके अंदर ही हमारी जो हमने रोटी ले ली है जो ये देखें मैं इस तरीके से इसकी मदद से अब ये अपने हाथों की मदद से इसको इस तरीके से फैलाती जाऊँगी। ये पूरी हमारी फैल गई है। अब इसमें जो हमें टॉपिंग लगानी है वो हम आपको दिखाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस है जो हमारी, पिज़्ज़ा सॉस मैंने रेडीमेड ही ली है तो मैं वो पिज़्ज़ा सॉस आपको इसमें लगाऊंगी, वो दिखाऊंगी। इसमें जो टॉपिंग हमें डालनी है चिकन की जो हमने बनाई थी किलिनिस की जो जो बनाई थी वो सब मैं आपको अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको सेट कर लूँ। ये देखें अब ये मैं फोक के ज़रिए इसमें इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ ताकि हमारी रोटी इसकी जो डो है वो फूल के ना आए। आप दूर दूर इस तरीके से इसमें सुराख कर लीजिएगा। फिर मैं इसमें आपको पिज़्ज़ा सॉस, ये मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस ली हुई है ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें, मैं इसमें देखूँगी अभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और डाल लूँगी, ना मैं अभी इसको पहले फैला के दिखाऊँगी। ये देखें इसमें अभी और लगेगी मैं डालूँगी, पहले मैं इसको फैला लूँ अच्छी तरीके से। ये आप पर है कि आप कितना स्पाइस इसमें खाना चाहते हैं उस हिसाब से लगाएं। वैसे मुझे जो है ना पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं थोड़ी इसमें और डालूंगी, अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि मैं इसमें और डाल रही हूँ। ये देखें ये मैंने डाल दी इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस सारी। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके जो हमारी टॉपिंग है चिकन है और जो प्याज है और जो टमाटर लिए वो मैं इस पर आपको गार्निश करके दिखाऊँगी किस तरीके से हम इस पर ये फिलिंग रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये डालूंगी इसके अंदर चिकन, ये मैं दूर दूर डाल लेंगी आप देख लीजिएगा। ये देखें ये हमने चिकन लगा दिया इसके ऊपर और ये जो मैंने मोजरेला चीज़ और चेडर चीज़ आपके सामने मैंने पहले दिखाई थी तो वो लिए ये मैं डाल लूँ पहले मोजरेला चीज़ इस पर। मैंने दो पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो ली थी तो ये अभी मैं एक पिज़्ज़ा आपको बना के दिखा रही हूँ इस तरीके से। दूर दूर करके आप चीज़ इस पर डाल देंगे
पहले मैं सारी इस पे चेडर चीज़ डालूँगी। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जितनी आपको डालनी है आप अपने हिसाब से इस पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, मैं इस पे मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया इस तरीके से सारी चीज़। अब ये जो मैंने आपके सामने ये रखे थे, ये देखें, ये मैं इस तरीके से शिमला मिर्च लगा रही हूँ पहले। ये सब मैं इसे ऐसे दूर दूर करके इस पर शिमला मिर्च लगा दूँगी, फिर मैं इस पर आपको टमाटर लगा के दिखाऊँगी। अब ये मैं टमाटर लगा रही हूँ इस पर इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। अब ये प्याज है हमारी, प्याज आप रफली इस तरीके से इसको एक एक इसके खोल के रफली डाल दें। आप चाहें तो इसमें प्याज ना डालें, लेकिन मुझे इसमें प्याज अच्छी लगती है। ओवन मैंने अपना पहले ही गर्म करने रख दिया है, 170 डिग्री पे रख दिया है। तो मैं ये भी आपको रख के इसमें दिखाऊंगी और तकरीबन इसको हम 15 से 20 मिनट बेक करेंगे। तो आइए मैं इसको आपको ओवन में रख के दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा ओवन गर्म है। अब मैं इसके अंदर ये हमारी ट्रे रख रही हूँ, ये देखें ये हमने रख दिए। अब ये जैसे ही बेक होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बना है। रोटी हमारी अच्छे से फूल गई है इसकी, और लुक लाइफ भी देखें कितना ज़बरदस्त है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। आपसे फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।